उदयपुर से नवल किशोर का प्रश्न है। बाबा, आपने रात को बड़ा बचाया, मर ही जाता। रात्रि को कुछ भूत प्रेत, चंडाल, राक्षस, पित्री देवता, दुष्ट आत्माएं, जिनके दांत बाहर निकले हुए, भयंकर मुखड़े, अजीबोगरीब सी शक्लें रात्रि को आकर कोई मेरी छाती पर बैठ गया। बड़ा वजनी था। कोई मेरी चादर खींचने लग गया, कोई मुझे डराने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि बस आज आखिरी दिन है, आज दम निकल जाएगा। बाबा, मैंने हनुमान जी को पुकारा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने आपका नाम लिया, बाबा जी बचा लो। मैं गया तो न जाने वो सभी कहाँ चले गए। बाबा, ऐसे ही कृपा बनाई रखिएगा। दीप नवल किशोर उदयपुर से। सारी दुनिया आज इसी प्रकार के भ्रमों से ग्रसित है। रात को जब आपको सपना आया, ये भूत प्रेत, बैताल, राक्षस, चुड़ैल, पिशाच, पितर सब इकट्ठे हो गए। देवी देवता गला दबा लिया, छाती पर बैठ गए। श्वास नहीं आ रहा था, उठने की बड़ी कोशिश की, नहीं उठा गया। मैंने कहा कि आज मरे। मेरी चेष्टा से कुछ न हुआ तो मैंने हनुमान जी को पुकारा, कुछ नहीं हुआ मैंने बाबा विजय वत्स को पुकारा तो ठीक हो गया। मेरी कृपा से ठीक हो गया। भाग गए सब भूत प्रेत, चंडाल, बैताल, सब भाग गए। हनुमान जी कहाँ से आते हैं? जिस वक्त आपको सपना आ रहा था, हनुमान जी के साथ वार्तालाप कोई विशेष बात के ऊपर मैं कर रहा था। गंभीर समस्या थी किसी की, उसके ऊपर मैं वार्तालाप कर रहा था। आपने उधर से पुकार लिया, और मैं कहां से आ पाता? मैं हनुमान जी के साथ वार्तालाप में मगन था। दोनों में से कोई नहीं आया। कोई चादर खींचे जा रहा है। दूसरे घर में भी ऐसे ही होता था। कोई वास्तु दोष तो नहीं है? इसे समझने की चेष्टा कीजिएगा। अभी तो आप जागृत नींद में नहीं पहुंचे। जैसे ही आप जागृत नींद में पहुंच जाओगे तो आप पाओगे कि जब आप जागृत से नींद में जाते हो तो क्या घटना घटती है। प्रकृति
अपनी सारी शक्ति को आपके मन और अपनी इंद्रियों से वापस खींच लेती है, जो मैंने आपको अभ्यास बताया था कि जिन्हें आप विकार कहते हो उनको दूर करने का उपाय क्या है। मैंने कहा अपनी शक्ति खींच लो, अपनी शक्ति मन को इंद्रियों को मत दो। ये आपको कहां से पता चलेगा? व्यक्ति जब एनलाइटेंड होता है और नींद में जागता है तो उसे पता चलता है कि जब नींद आती है तो क्या घटना घटती है। दर्शक हुए बिना, साक्षी हुए बिना आप घटना की सही सही जानकारी नहीं दे सकते। जैसे ही आप शरीर से, मन से, सभी इंद्रियों से अपनी शक्ति वापस खींच लेते हो तो ये मन, ये शरीर निद्रावस्था में चला जाता है। और जैसे ही नींद पूरी हो जाती है तो तुम, ये सभी प्राकृतिक ढंग बनाए हैं ईश्वर ने, स्वतः ही घटना है, आपके सोचने से या कहने से नहीं घटता। रोजमर्रा का काम है, आपकी प्रकृति इसी ढंग से व्यवस्थित की है परमात्मा ने। जैसे ही आप अपनी शक्ति को भीतर से खींचना शुरू कर देते हो, मन से और शरीर से, इंद्रियों से, तो क्या घटता है कि ये निर्जीव की तरह हो जाते हैं, ये कोई कर्म नहीं कर सकते, इनके सारे मसल्स ऐसे हो जाते हैं जैसे मर गए। न मन कुछ सोच पाता है, न इंद्रियां हिलजुल सकती हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने, जो कि आप शक्ति के भंडार हैं, आपने शरीर को, मन को, जो सारे दिन का थका हुआ था कामकाज से, उसको आराम देने के लिए प्राकृतिक व्यवस्था के अधीन आपने सारी शक्ति को अपने अंदर समेट लिया, जैसे कछुआ समेटता है अपने अंगों को। और जैसे ही आपकी शक्ति आपने खींची वापस, करीब करीब आपके सभी मसल्स, टिश्यूज रिलैक्स की बजाय डेड हो गए, डेड की तरह। मन ने काम करना बंद कर दिया, शरीर ने हिलजुल करनी बंद कर दी और आप निद्रा में चले गए, आपको पता भी न चला। लेकिन अगर आप एनलाइटेंड हो जाओगे, जाग जाओगे, अवेयर हो जाओगे, तो आप नींद को आते हुए देखोगे कि नींद की घटना घटी कैसे। फिर आप सारी रात इनके साक्षी रहोगे, मन बड़े आराम से सोया, कोई दुविधा नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था, आराम से सारी रात सोते हुए आप देखते रहे शरीर मन को। आपकी शक्ति से ही वो कूद फांद रहे थे, आपने शक्ति खींच ली, शांत हो गए। जैसे ही शांत हुए, सारी रात आप देखते रहे, आपका स्वभाव है देखना, साक्षी आपका स्वभाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित मत करना, अनापान सति योग के ऊपर कहीं भी ध्यान केंद्रित मत करना, विपश्यना साधना में श्वास को आते जाते हुए मत देखना। जहां भी आपने नकली साक्षी क्रिएट किया, आप असली साक्षी से चूक जाओगे। इन बातों को आप गौर से सुनने की चेष्टा करना।
गहरी बात है, आपको भी उसी तल पर जाना होगा सुनने के लिए। जैसे ही आपने तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए, तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, आपने अपनी शक्ति की दिशा तीसरे नेत्र की तरफ बदल दी। अनापानसति योग की साधना में आपने देखना शुरू किया, आपने शक्ति उधर बांटनी शुरू कर दी। विपश्यना साधना में श्वास को आते जाते केंद्रित किया अपनी शक्ति को, आपने अपनी शक्ति उधर बांटनी शुरू कर दी। और जैसे ही आपने शक्ति बांटनी शुरू कर दी, आप श्वास को आते देख रहे हैं, जाते देख रहे हैं, तो आपने एक नकली साक्षी क्रिएट कर दिया। फिर समझ लेना इस बात को, जैसे ही तुम देखोगे साक्षी बन के, तो साक्षी असली नहीं होगा। वो साक्षी वो नहीं होगा जो घोर निद्रा के भीतर स्वतः से ही साक्षी सारी रात तुम्हें सोते हुए देखता रहा। वो नकली साक्षी होगा जो आप क्रिएट करोगे, दैट इज योर क्रिएशन। और जब तक आप नकली साक्षी में उलझे रहोगे, असली साक्षी तक आप जंप नहीं ले सकोगे। बस यही कुल मात्र प्रयोजन था मेरा बताने का, कि कहीं भी ध्यान मत लगाओ, कुछ भी मत करो। कुछ भी करोगे, विपश्यना में नाक के श्वास को आते जाते देखोगे, तो ये भी कर्म हो गया। तुमने कृत्रिम साक्षी पैदा किया, अनापानसति योग में भी कृत्रिम साक्षी पैदा किया, त्राटक में भी आपने कृत्रिम साक्षी पैदा किया। आपकी सभी क्रियाएं कृत्रिम साक्षी को पैदा करने की क्रियाएं हैं। आपकी कोई भी क्रिया असली साक्षी के भीतर उतरने की क्रिया नहीं है। आपकी सारी विधियां हैं, आपकी कोई भी विधि अविधि नहीं है। अविधि कोई विधि नहीं, नो वे। आपने अपनी शक्ति को वापस खींचा, सारी रात सोए रहे, जैसे ही फ्रेश हुए ऑटोमेटिकली ये सारी घटनाएं घटती हैं। लेकिन जागृत पुरुष इन सभी घटनाओं का साक्षी मात्र होता है, इसलिए आपको बता पाता है। अगर वो साक्षी ना होगा तो आपको बता भी नहीं पाएगा। भीतर की घटनाएं हैं। जैसे ही तुम रिलैक्स हुए, तुम्हारी दिन भर की सारी थकान मिटी, तो प्रकृति के हिसाब से तुम थोड़ी थोड़ी संरचना चेतना सभी इंद्रियों को देनी शुरू कर दोगे, बांटोगे अपनी सारी शक्ति को। शक्ति को बांटोगे, इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। उस दृष्टि में ना आप पूर्ण जागे होगे, ना आप पूर्ण सोए होगे। आप एक तरह की पक्षाघात की स्थिति में होगे। ये सच नहीं होगा, कोई आपकी चादर खींचेगा, विकराल पुरुष दिखेंगे, दांत बाहर निकले हुए दिखेंगे, विकराल चेहरे, सिर के ऊपर सिंह भी दिखाई पड़ने लग सकते हैं। कुछ भी दिख सकता है जो तुमने कल्पना की है भूत प्रेत के बारे में। तुम्हारी छाती के ऊपर दबाव भी आएगा।
इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस की बीमारी 100 में से करीब 40 व्यक्तियों में होती है, ये बीमारी नहीं है, ये एक अव्यवस्था कह लो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये बीमारी तो है ही नहीं। अगर आप 5 मिनट 2 मिनट और ठहर जाते तो बिना बाबा को पुकारे, बिना हनुमान जी को पुकारे, बिना श्याम बाबा जी को पुकारे, ये सब भाग जाते, कोई था ही नहीं, भागेगा कौन। फिर कहते हैं कि हमारा भाई दूसरे घर में सोया, उठ के उसे भी ऐसा ही होता था, दूसरे घर में भी ऐसा ही हुआ, घर बदल लोगे, अपनी मनोदशा कैसे बदलोगे। मन साथ लेके जाओगे, यहां सोएगा तो भी मन वैसे ही काम करेगा, वहां सोएगा तो भी मन वैसे ही काम करेगा, इंडिया में सोएगा तो भी, यूएसए में सोएगा तो भी, ऑस्ट्रेलिया में सोएगा तो भी, कनाडा में सोएगा, चाइना रशिया में सोएगा तो भी, ऐसा ही कुछ होने को है। ये बीमारी नहीं है, ये अव्यवस्था है। और करीब करीब 40% लोग इस बीमारी से बीमार हैं, इसका कोई इलाज नहीं। आपने हनुमान जी की फोटो भी रखी थी, कोई इलाज नहीं। हनुमान जी यहां मेरे पास बैठे बात कर रहे थे, और मैं भी कहां आया, तुमने पुकारा, मैं हनुमान जी के साथ बातचीत कर रहा था, हम दोनों में से कोई नहीं आया, आप पुकारते रहे, व्यर्थ श्रेय हमारे पे देना बंद करो, हम व्यर्थ श्रेय नहीं लेंगे, जो हमने किया ना उसका श्रेय हम नहीं लेंगे। ये एक बीमारी है, आप उठने की कोशिश करोगे, क्या होता है, चेतना अपने आप को फैलाती है सारे अंगों में, मन में, आपके ब्रेन में, लेकिन शरीर उसकी आज्ञा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ये दशा है स्लीप पैरालिसिस। चेतना आज्ञा देती है, मस्तिष्क आज्ञा देता है, इंद्रियां उसकी आज्ञा को मानने को इनकार कर देती है, उपेक्षित हो जाती है, गड़बड़ खड़ी हो जाती है, तो आपको लगता है कि मैं उठना चाहता हूं, उठ नहीं पा रहा, ये प्रेत जो बैठा है, ये सींग है इसके सिर पे, दांत बाहर निकले हुए हैं बड़े बड़े, तो खुद उठने की कोशिश करते हो, नहीं उठ पाते, फिर हनुमान जी को पुकारते हो, जिसके जैसे जैसे जो जो भी हैं, बड़ी अलग अलग तरह की आवाजें मिलेंगी आपको, कोई किसी को सुमरण कर रहा है, कोई किसी को सुमरण कर रहा है, जय बाबा गांधी, जय बाबा गांधी, सब जगह ही हो रहा है, आता जाता कोई भी नहीं, व्यर्थ का श्रेय दे देते हो आप, हम कुछ नहीं करते। ये आपकी बीमारी 1-1.5 मिनट में वैसे ही ठीक हो जाती है, ये स्लीप पैरालिसिस है। बीमारी शब्द सिर्फ मैं इसे अव्यवस्थित होने के लिए ही कह रहा हूं, अन्यथा ये कोई रोग नहीं। ऐसा कुछ आपके साथ सोते हुए भी नहीं घट सकता, जागते हुए भी ऐसा ही घट सकता है। ये जो आपको दिन में भ्रम पड़ते हैं, पितर नाराज हो गए, प्रेत दिख गया, ये वृक्ष क्यों हिल गया, ये मेज क्यों हिल रहा है, ये मेज के ऊपर पड़ा गिलास क्यों हिल रहा है,
कल ही मेरे पास एक केस और आया। इससे पहले भी एक केस आया कि यहां पंजाब में रात्रि में कोई भूत प्रेत आते और स्त्रियों के बाल काट के ले जाते। मसला मेरे पास आया। बाबा क्या है? मैंने कहा तुम आराम से सो जाया करो, नींद नहीं आती तो नींद की गोली खा लिया करो, कुछ भी नहीं। एक बात को फॉर्मुलेशन की तरह मैं आपको समझा दूं, इसको डेफिनेशन की तरह लिख लेना। कोई भी चीज बिना फोर्स के हिल नहीं सकती। अब कल ही मेरे पास केस आया कि कपड़े कट जाते हैं, जल जाते हैं, ट्रंक में पड़े पड़े लॉक लगा होता है। कपड़े छह छह टुकड़ों में बट जाते हैं। तब भी ऐसा ही केस आया था, स्त्रियों के बाल कट जाते हैं। सुबह स्त्रियां देखती हैं, अरे ये क्या बॉब कट हो गया, बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। डरने लग गए लोग, गांव के गांव परेशान। और ये प्रेत हैं कि पीछे ही नहीं छोड़ते, रात को आते हैं दिन में आते नहीं, सोए पुड़ों के बाल काट के ले जाते हैं। मसला मेरे पास भी पहुंचा, मेरे एक मित्र थे। मैंने कहा ये कुछ नहीं, कपड़ा बिना कैंची के काटा नहीं जाता, अगर वैसे भी उसको पाड़ोगे आप तो जोर लगेगा और आत्मा के भीतर फोर्स नहीं होता, समझ लेना। आत्मा फोर्स का इस्तेमाल, अब समझ लेना इस बात को ध्यान से, आपके सारे भ्रम खत्म करने जा रहा हूं। आत्मा अपनी फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए उसे शरीर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अपनी फोर्स को किसी विधि के द्वारा वो अपने काम को अंजाम देगा। शरीर की आवश्यकता पड़ती है, अपनी शक्ति को वह आपको देगा। आप अपने हाथ में कैंची पकड़ोगे और काटोगे, जैसे दर्जी सारे दिन कपड़े सिलता है बिना फोर्स के, अपने आप न कपड़े जल सकते हैं न कट सकते हैं। ये जिन्हें आप भूत प्रेत पिशाच वैताल, ये सारा कुछ जो भी आप पितर देवता देवी, किसी में कोई शक्ति नहीं जो शरीर धारण किए बिना कोई ऐसा काम करते हैं। ना ग्लास हिल सकता है, ना मेज हिल सकता है, ना कपड़ा कट सकता है, ना जल सकता है, कुछ नहीं हो सकता। सो में से अगर मैं अपवाद को छोड़ दूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स, एक्सेप्शन, और वो जरूरी नहीं कि आपके साथ घटे, एक्सेप्शन कभी नहीं भी घटता है। सो में से सो केस झूठे होते हैं, ध्यान रखना। मैं एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया है, एक्सेप्शन को बीच में लगा दिया जाए तो 100 में से 99 केस झूठे होते हैं। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप
इस चोर को घर में ढूंढो, चोर आपके घर में, ये कपड़े काटने वाला चोर आपके घर में, ढूंढना आपका काम है। मुझे नहीं पता आप कहां से बोल रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई दैवीय शक्ति ऐसा काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दैवीय शक्ति शरीर के बिना काम नहीं कर सकती, और शरीर हमने उनका जला दिया, आपके पितरों का हमने शरीर जला दिया। हम श्राद्ध खलाएं, श्रद्धा से खलाएं, बिल्कुल खिलाओ, लेकिन श्राद्ध खलाएं खोपड़ी को खराब करके कि उन्हें मिलेगा, बेवकूफी है। उनकी याद में कि उन्होंने इतना दिया, उनके भार से हम मुक्त नहीं हो सकते। खुशी में अश्रुओं से युक्त उनके उपकारों को याद करके जितना भी बांटो बांटो, मूर्खता के कारण मत बांटो। गरीबों को भोजन खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, भूखों को खिलाओ, ये आपकी मर्जी, लेकिन मन में ये मूर्खता मत रखना कि हम अपने पितरों को खिला रहे हैं। हमारे पितरों ने, करीब 99% पितरों ने मरते ही अन्य शरीर धारण करवा दिया प्रकृति ने, क्योंकि सभी इतने जगे हुए लोग नहीं होते। मुश्किल से 1% का सोवा हिस्सा लोग जगे होते हैं इतने, जो कि अपना गर्भ खुद तलाश सके। अन्यथा गर्भ उपलब्ध करवाने का काम प्रकृति को ही करना पड़ता है आवश्यक ढंग से। आप अपनी इच्छा से अपना गर्भ चुन नहीं सकते जब तक के आप अपनी चेतना को बहुत ऊंचा नहीं उठा ले। मूर्खता है, 3-3 पीढ़ियां 3-3 शरीर हमारे अपने मरकर 3-3 शरीर और धारण कर लेते हैं, और हम उनकी याद में श्राद्ध किए जाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं श्राद्ध के विपरीत हूं। हमारा ही प्यारा जो चला गया, उसको याद करना कोई जुर्म नहीं, और उसकी याद में दान करना तो बिल्कुल ही जुर्म नहीं है, दान करना बड़ा अच्छा है। लेकिन देखिए, ऐसे व्यक्तियों को दान मत कर देना जिनका पेट दुखने लग जाए माल कूड़े खाकर, और आपको गालियां निकालना शुरू कर दें कि दुष्ट ने भोजन बहुत ज्यादा करा दिया। मैं मालपूड़े नहीं खा रहा था, दुष्ट ने फिर भी भरे भरे पेट में गल तक आ गया था, उसने एक मालपूड़ा और खिलवा दिया। बाप बेटा दोनों श्राद्ध खाने चले गए, बाप तो खा रहा है खीर मालपूड़ा जो बढ़िया बढ़िया चीजें पहले खा रहा है, वो बेटा है कि थोड़ा सा खा लेता है, पानी पी लेता है। बेटा ऐसे ही करता रहा, बाप घूरता रहा उसको, लेकिन बेटे को समझ नहीं आया, पहली बार लेके गया था। बाप तो कोई पानी वगैरह नहीं, पानी बाद में देखेंगे, लेकिन बेटा खा लेता है, पानी पी लेता है। जब काम समाप्त हुआ, चरण धोए गए, दक्षिणा दी गई, बाहर आए, थोड़ी दूर जाके बाप ने सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया बच्चे का। अरे मूर्ख, मैं तुझे पानी पीने के लिए यहां लेके आया था, अमृत पड़ा था, अमृत ये मालपूड़ा, ये बढ़िया सब्जी, ये बढ़िया खीर हलवा देसी धृत का, ये तुझे नहीं दिखा? पानी, पानी घर पे थोड़ा है,
तो बच्चा कहने लगा, पिताजी आपको पता नहीं, आप पुराने विचारें कहो, मैं साइंटिफिक विचारों का। थोड़ा खा के अगर ऊपर से पानी पी लिया जाए तो तह जम जाती है, ऐसे ज्यादा खाया जाता है। तो उसने एक ज्यादा सन्नाटेदार झन्नाटेदार थप्पड़ और ठोक दिया। कहता, अरे मूर्ख, अगर ये साइंटिफिक व्यवस्था तू पहले से जानता था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सांझ का भी दिन में ही खाके आ जाते हैं। तुम्हारी व्यवस्थाएं कुरूपता को जन्म देती है। और जब हम बोलते हैं तो आपकी सिर के ऊपर रखी हुई मैले की टोकरियां गिरती हैं, आपका भार हल्का होता है और आपको बड़ी परेशानी आती है। जैसे गधे को भार ढोने की आदत पड़ जाए और आप उसके शरीर से भार उतार लो और वो दुलकतियां मारनी शुरू कर दे कि भार क्यों उतारा, ऐसे ही हम लोगों को दुलकतियां सहनी पड़ती हैं। आप स्लीप पैरालिसिस की बीमारी, इससे डरना नहीं है, कहीं उन प्रेतों से खेड़ा छुड़ा लो और स्लीप पैरालिसिस से डरना शुरू कर दो कि पड़े पड़े कभी नींद में पैरालिसिस ना हो जाए, पक्षाघात ना हो जाए, कुछ नहीं होता। इसका नाम ही स्लीप पैरालिसिस है, एक डेढ़ मिनट में स्वतः ही ठीक हो जाती है। वो जो गोलाई आप कर लेते हो उठने उठने की, जय बजरंग बली की और जय बाबा विजय वत्स की, ये व्यर्थ होते हैं, बस उतनी देर का ही होता है। अगर आप ना भी करते तो भी ये स्वतः से ही ठीक होने को था। प्रकृति अपनी व्यवस्था खुद खोज लेती है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। ऐसे तो फिर आप रोज ही सोते हो, छः छः घंटे बिल्कुल बेहोश की अवस्था में आप सो जाते हो। ऐसे तो कुछ कभी भी कुछ हो जाए, हृदय को आप धड़काते हो, वो धड़काने वाला धड़का देता है। आपने कब ख्याल किया, बताओ आप रात को सोए कितने श्वास लिए, बताओ आप रात को सोए कितने श्वास लिए, कितनी बार दिल धड़का, नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने धड़काया ही नहीं, आपने श्वास ली ही नहीं। वो जाने, विराट जाने, उसका काम जाने। स्लीप पैरालिसिस की बीमारी, पहली बात, जब दिल की नाड़ियों पर हाथ आ जाता है, ये जो ब्लड सप्लाई करने वाली वेन्स हैं ये दब जाती है, यहां से हार्ट से सारी बॉडी को वेन्स जाती है। चार पोर्शंस होते हैं इसके, लेफ्ट और राइट ओरिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। गंदा खून आता है, गंदा खून फेफड़ों में धकेल दिया जाता है, फेफड़ों में शुद्ध हो जाता है, जो आप ऑक्सीजन लेते हो वहां से फिर धकेल दिया जाता है दिल में, शुद्ध रक्त के खाने में वहां से पंप होता है शरीर की अंग प्रत्यंग को। यह प्रोसेस है सारी, और आप इसमें से कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ भ्रम पालते हो कि मैं कुछ करता हूं, आप कुछ नहीं करते। ये सारा काम प्रकृति के द्वारा पूर्व व्यवस्थित है, आप तो बस आनंद लो, मजे लो, प्रकृति व्यवस्थित कर देगी खुद से। बाबा रात्रि को बहुत से भूत प्रेत बैताल पिशाच ये सब इकट्ठे होके आ गए, मेरी छाती पे चढ़ गए, मेरी चादर खींच ली, मुझे डराने लगे। एक तो बहुत भारी था, मेरी छाती पर बैठ ही गया। मैंने बड़ी कोशिश की,
लेकिन नहीं, उसने मुझे छोड़ा नहीं। भारा बहुत, दांत बाहर निकले हुए, रंग काला। मैंने बाबा बजरंगबली को आवाज लगाई, फोटो सामने रखी हुई, कोई नहीं आया। मैंने बाबा विजय वत्स को आवाज लगाई, कुछ रिलैक्सेशन महसूस हुई। इन भ्रमों को त्याग दो। इन भ्रमों को सींचने वाले सभी लोग ठग यहां बैठे, आप उनसे ये बात कहोगे तो वो कोई ना कोई फार्मूला आपको लूटने का निकाल लेंगे। इन पागलपन में मत पड़ो, ये अव्यवस्था है, डिजीज नहीं है। हम इनको रोक कह के पुकार लेते हैं, स्लीप पैरालिसिस। लेकिन एक घटना है जो नींद में घटित होती है, जो नींद से उठने के बाद जब चेतना अपना एनर्जी बांटती है तो शरीर उस एनर्जी को ग्रहण करने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई रग दबी होती है। आपने यहां प्रात रख लिया, हाथ में कोई कम भार नहीं होता, वेन में कोई ज्यादा भार नहीं होता, वेन दब जाती है। दबने के कारण वो ब्लड आगे सप्लाई नहीं हो पाता, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो आप छटपटाओगे। जिस अंग को भी हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, रक्त के प्रवाह के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, वो छटपटाता है। ये तुम्हारी छटपटाहट है, कोई रग दब गई। इसलिए अगर आप सीधे सोते हो तो सीधा सोने का बजाय करवट लेके सो लो, उल्टा सो लो। ये घटनाएं घटती हैं सिर्फ किसी प्राकृतिक व्यवधान के कारण। कोई प्रेत आके नहीं उतरता है, कोई भूत नहीं उतरता है, कोई कुछ नहीं होता है, कोई देवता आपको तंग नहीं करता। ये भ्रांतियां हैं जो कि शास्त्रज्ञों ने, आपके पुराणों के लेखकों ने इन्हें बढ़ा चढ़ा के बीमारियों में कन्वर्ट कर दिया, आपको डरा दिया। उनका काम मैंने पहले भी बताया कि आपको डराना या आपको लोभ दिखाना। यहां दान दो और दान भी हमें दो, यहां दान दो और दान भी हमें दो, और फिर स्वर्ग में जाके शराब के झरनों में खूब मस्त होके शराब पीना। अप्सराएं नाचेंगे, उनके नृत्य देखना, संसर्ग करना। यहां हमें दान दो, एक छोटी सी घटना आपको समझाऊंगा। मैं गौशाला मंदिर में जाया करता था, वहां गौशाला में, मंदिर में नहीं, मंदिर के सामने एक गौशाला जहां गऊओं का जमावड़ा होता था, गऊएं बांधी जाती थी, वहां एक सर्प निकला आया। सर्प निकला आया तो वहां के मैनेजर ने कहा कि चलो यहां किसी पुजारी को बुला लेते हैं। तो पुजारी को बुलाया गया, पुजारी जी आ गए। पुजारी जी ने आके कहा कि आप ऐसा करो कि आप इसको इस खुड के अंदर, बिल के अंदर हाथ देके उसको बाहर निकाल लो। तो मैनेजर कहने लगे कि भाई अगर हम हाथ देके इसको बाहर निकालेंगे तो यह सांप हमें डस लेगा। लेकिन वो पुजारी नया आया था, कहीं से घूमता फिरता एकाध दिन के लिए। वो कहता कि नहीं डसेगा, मैं मंत्र पढ़ दूंगा, ओम मुनिराजम आस्तिकं नमः। सांप नहीं डसेगा। अब सांप को क्या पता
कि तुम मुनि राजम आस्तिक नमः का जाप कर रहे हो, वो नहीं छोड़ेगा आपको। एक दो दिन के लिए पुजारी आया, उसने कहा चलो अपनी पैठ बनाते जाओ, जाना तो है बाहर। तो कहता मंत्र मैं पढ़ता हूं, तुम बिल के अंदर हाथ दे लो, उसको पकड़ के बाहर निकाल लो। प्राणपंथियों ने तुम्हें ऐसे ही भ्रांतियों में धकेलने का काम किया है। सारी दुनिया में आज ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं, किसकी चादर खींच लेता है, कपड़े फट जाते हैं, जल जाते हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि प्रेत तो है लेकिन जिंदा प्रेत है, आप ढूंढो, आपके घर में ही है। शक्ति के बिना कहता पेटीकोट कट जाते हैं, शक्ति के बिना न कैंची उठाई जाएगी न ही उसको खींच के फाड़ दिया जाएगा कपड़े को, शक्ति की आवश्यकता होगी और आत्मा में शक्ति नहीं होती, चेतना होती है। चेतना के कारण आत्मा से मिलकर आत्मिक शक्ति बन जाती है शारीरिक शक्ति। ये थोड़ा सा प्रोसेस गहरा है, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए जब शरीर से चेतना निकल जाती है तो शरीर के सारे कार्य प्रणाली काम करने बंद कर देती है। उस चेतना के संयोग से हमारे शरीर की सारी व्यवस्था शक्ति की काम करना शुरू करती है। जैसे कैटलिटिक एजेंट होता है, कैटलिटिक एजेंट की मौजूदगी में सारी केमिकल रिएक्शंस घटती हैं, वैसे ही चेतना की मौजूदगी में आपका ब्लड, आपका खाया हुआ खाना शरीर की इंद्रियों को हिलने झुलने पर व्यवस्थित कर देता है। बिना शरीर की आत्मा एक पत्ता भी नहीं हिला सकती, सूखा हुआ हवा हिला देगी, आत्मा नहीं हिला सकेगी। समझ लेना इस बात को, अगर कोई आत्मा किसी भार को उठाती है तो वो पहुंची हुई कोई आत्मा जो कि ये विधि जानती है कि कैसे सूक्ष्म शरीर के तंतुओं को स्थूल शरीर में बदला जाए, फिर वो स्थूल शरीर में परिवर्तित होके फिर वो काम कर सकती है और स्थूल शरीर से सूक्ष्म में प्रवेश होके वो अपने स्थान में चली जाती है। मसले गहरे हैं, थोड़े से समझने कठिन पड़ेंगे। ये सिद्धियां होती हैं, ये करनी पड़ती हैं और ऐसा व्यक्ति ऐसी छेड़खानियां नहीं करा करता कि आपके कपड़े फाड़ जाएगा, आपके कपड़े जला जाएगा, आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा। नहीं, मैंने सुना है किसी व्यक्ति ने किसी देवी की आराधना शुरू कर दी, लाग डांट थी, किसी देवी की आराधना शुरू कर दी दुश्मन को मारने के लिए, किसी गुरु से मंत्र लिया था 41 दिन का, 41 दिन हो गए, गुरु के पास गया कि देवी नहीं आई, सिद्ध नहीं हुई। उसने कहा 41 दिन का एक और अनुष्ठान कर दो। उसने दूसरा अनुष्ठान कर दिया, मन में भयंकर ज्वाला है कि मैंने अपने दुश्मन को मारना है। 41 दिन फिर बीत गए, फिर गया अपने गुरु के पास, नहीं कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तीसरा अनुष्ठान कर दो। उसने 5 अनुष्ठान किए, कोई नहीं आया। गुरु पहुंचा हुआ था, गुरु ने उस शक्ति को आवाहन किया, गुरु ने पूछा
कि इस मेरे शिष्य ने 5 अनुष्ठान किए, आप सिद्ध क्यों नहीं हुई? तो देवी बोली, पुत्र जिस भाव से ग्रसित होके ये साधना कर रहा है, ये किसी को मारने की नियत से साधना कर रहा है। जब तक वो मारने की नियत समाप्त नहीं होगी, मैं सिद्ध नहीं होंगी। मन का मैल पहले धोना पड़ेगा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिस दुश्मन को मारने के लिए आप शक्ति की आराधना करते हो, वो दुश्मनी त्याग के मिला करती है। ये शब्द उल्टे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सत्य है। ये दुर्भावना जब तक आप समाप्त नहीं करते, छोड़ते नहीं, देवी सिद्ध होने को नहीं। और जब आपने दुर्भावना समाप्त कर दी, देवी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन दुर्भावना मिट जाएगी। दुर्भावना जब तक समाप्त नहीं होती, तब तक देवी नहीं आती। और जब दुर्भावना समाप्त हो जाएगी, तो देवी तो सिद्ध हो जाएगी, लेकिन दुर्भावना उसको मारने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। पहले आप शक्ति ना होने के कारण उसे मार नहीं सकते थे, अब तुम्हारे मन में दुर्भावना न होने के कारण आप उसे नहीं मार सकते। दोनों ही अवस्थाओं में तुम उसे मार नहीं सकोगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शक्ति का अनुष्ठान करने का कोई फायदा नहीं होता। निर्मल मन के बिना वो आती नहीं, और जब आती है तो आपके मन में मैल बचता नहीं। हां, वो शक्ति के द्वारा आप दुनिया का कल्याण कर सकते हो। तभी मैंने पिछले प्रवचनों में कहा कि ये देवी देवता किसी का बिगाड़ते कुछ नहीं, शुभ जितना मर्जी करवा लो। तुम व्यर्थ ही डरते हो, तुम डरते हो ऐसा नहीं है, तुम डराए गए हो। तभी मैं कहा करता हूं कि इन सब ग्रंथों को कुएं में फेंक दो, नदियां में बहा दो, क्योंकि इनमें जो बातें लिखी हैं वो सही नहीं है। तर्क सही लगेंगे आपको, लेकिन तर्क सही नहीं है। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। जब तक मन में मैल है, देवी सिद्ध नहीं होती, और जब आपने मैल त्याग दिया, देवी तत्क्षण सिद्ध हो जाएगी। और जब आपने मैल त्याग दिया और फिर शक्ति आई, आई के ना आई क्या फायदा उसका। हाँ, आप उससे भला कर सकते हो संसार का, ये हो सकता है। वो आप करना नहीं चाहते, लेकिन शक्ति आ जाएगी फिर भला करना। तभी मैं कहता हूं कि आप शक्ति का अनुष्ठान विकृत हृदय से शुरू मत करना, देवी कभी सिद्ध नहीं होगी, यह आपकी मूर्खता है। शक्ति सदा ही तब सिद्ध होती है जब आपका मन निर्मल होता है। क्यों? जिसे मारने की आप तमन्ना लेके शक्ति को बुला रहे हो, वो भी उसका पुत्र है। अपने ही पुत्र को, एक पुत्र को दूसरे पुत्र को कैसे मारने देते कि वो ना ऐसी मूर्ख है और ना ही ऐसी विकृत धारणा वाली है देवी। ये सब किताबें आपने मूर्खतावश लिखी हुई है। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक। 2-4 राक्षस को मारने के लिए उस परम शक्ति को नीचे आना पड़ा, और लोग बड़े श्रद्धा से उसका पाठ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती, अक्सर आप देखना
के नवरात्रों में इसका पाठ ब्राह्मण लोग करते हैं सिर्फ द्रव्य के लिए, न दुर्गा न शक्ति कोई सिद्ध नहीं होती। आप सिर्फ भय से मुक्त हो जाते हो, और जो इसका पाठ करता है उसको द्रव्य मिल जाता है। उसकी इच्छा भी द्रव्य इकट्ठा करनी थी, आपकी इच्छा भी यही थी कि मैं भय मुक्त हो जाऊं, लेकिन इससे आपका दुश्मन नहीं मरेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। लाख बार पाठ करे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा, रात को एक प्रेत मेरे बैताल बैठ गया, बैताल, और बड़ी कोशिश की, उसने पीछा ही नहीं छोड़ा, दांत बड़े बड़े। कल्पना कीजिए कैसा होगा वो व्यक्ति, लेकिन कोई नहीं था। आपके मन की कल्पना वास्तविकता को धारण कर गई, ये इमेजिनेशन हैं। जब आप अचेतन मन में जाओगे, चेतन से अर्धचेतन, फिर अचेतन, अचेतन से कॉस्मिक अचेतन, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, तो आपको सारे जगत के भीतर छुपे हुए डर पता चल जाएगा। लोग बहुत छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि आपको अगर खुशी हुई है, आपके अगर घर में बच्चा हुआ है, तो आप बाबे का घोड़ा छोड़ते हो, भला बाबा खाता है घोड़ा। ये नाराज ना हो जाए इस डर से छोड़ते हो, खुशी के कारण नहीं छोड़ते, ध्यान रखना इस बात को। एक प्रसाद बांटा जाता है वो खुशी के कारण होता है, और एक भेंट दे दी जाती है वो डर के कारण होती है। इन बात को ठीक से समझ लेना। आप भेंट देते हो डर के कारण देते हो, आप प्रसाद वितरित करते हो खुशी के कारण करते हो। प्रसाद बिना किसी कारण के बांटा जाता है। बाबा नानक ने अपनी जपजी में एक ओंकार सतनाम, इसके आखिर में सबसे आखिरला शब्द है गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद रूप में आपको ये सब कुछ देता है, भीतर का आनंद। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। इन बातों से भयभीत हमारे ही अपनों ने हमें किया है। साइंटिफिकली इस बीमारी को पैरालिसिस कहते हैं, स्लीप पैरालिसिस, सोते सोते चेतना ने अपनी चेतना छोड़ी, शरीर ने उस चेतना का हुक्म मानने से इंकार कर दिया कुछ सेकंड के लिए। उस स्थिति को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये आपकी जो चादर खींच लेता है, जो आपके घर में कपड़े कट जाते हैं, जो आपके बाल रात को काट के ले जाते हैं, कोई प्रेत नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, ये तो उपद्रव मचाना शुरू कर दें अगर ऐसा इनके हाथ में शक्ति आ जाए। नहीं, नहीं। इनके जो शरीर में शक्ति थी वो हमने यहां जला दिया। इनके दिमाग से जो दुष्ट विचार उत्पन्न हो सकते थे वो हमने दिमाग यहां जला दिया। इनके साथ क्या गई? शुद्ध चेतना और किए हुए कर्म संस्कार, और वो मैंने बता दिया कि वो एक सूखा पत्ता भी नहीं हिला सकते।
आप इस भय को बिल्कुल त्याग दो, कोई पितर आपसे नाराज नहीं होगा, कोई भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, कोई चादर नहीं खींची जाती, यह सिर्फ आपकी ही अचेत अवस्था में आप ही खींच लेते हो चादर, कोई पांव आगे पीछे हो जाता है, आपको भरम पड़ जाता है। इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रश्न था, बाबा मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूं, कोई उपाय बताए। डिप्रेशन में आधी दुनिया है और उस डिप्रेशन का कोई उचित कारण नहीं है। डिप्रेशन गलत है, कोई किसी कारण से डरता है। आपने एक कारोबार शुरू कर दिया, कहीं घाटा ना पड़ जाए, आप कहीं जा रहे हो, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, आपका बच्चा कहीं गया है, कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना, एक्सीडेंट ना हो जाए, यही इसी तरह के कुछ अन्य कारण हमारे डिप्रेशन का कारण होते हैं। आप 100 बार सोचते हो, होता एक बार भी नहीं। आपके डिप्रेशन के कारणों को जब आप खोजोगे तो वो डिप्रेशन के कारण बड़े छोटे छोटे और तुच्छ और महत्वहीन पाओगे, उनका कोई ठीक ठीक कारण आप ना समझ सकोगे। फिर भी मैंने अभी स्लीप पैरालिसिस की बात की, इसके लिए भी और एंटी डिप्रेसेंट के रूप में आप पर्याप्त नींद लेनी शुरू करो। लोग मुझे कहते हैं कि हमें बाबा 4 घंटे की नींद आती है, 5 घंटे की नींद आती है। नहीं, योगी के लिए तो ठीक, रोगी के लिए भी ठीक, जिससे ज्यादा नींद आती है या कम आती है उसके बस में नहीं है कुछ, भोगी के लिए ठीक नहीं है। कम से कम 8 या 9 घंटे की नींद लेना शुरू करो। अगर रात में आप 8 या 9 घंटे की नींद यकलख्त एक ही बार में निरंतर नहीं ले सकते तो रहती नींद आप दिन में पूरी कर लो, जबकि ले लो, खाना खाने के बाद जबकि ले लो, नींद पूरी करो। आपको नहीं पता नींद ना पूरी करने के कारण आपको कितनी कितनी मानसिक विकृतियां होती। नींद पूरी कर महत्वपूर्ण उपाय है, नींद महत्वपूर्ण मेडिसिन है नींद। इसलिए परमात्मा ने, तुम भूखा रह सकते हो, नींद के बिना तुम नहीं चला सकते काम। भूखे तो तुम कुछ दिन के लिए भी रह सकते हो, नींद तुम लगातार। भगत सिंह ने जेल में 116 दिन भूखे रहे, 116 दिन नींद के बिना आप नहीं काट सकोगे, 16 दिन भी नहीं काट सकोगे, 116 दिन तो बहुत दूर की बात है। ईश्वर ने जो अपनी प्रकृति में हमें रोजाना नींद की व्यवस्था की है वो मूर्ख नहीं, रचना उसकी है, वो भली भांति जानता है। रात होते ही आपकी आंखें मदहोशी में डूबने लगती हैं,
नींद आनी शुरू हो जाती, आप अन्य अन्य कामों में टालते रहते हो। नहीं, जैसे ही नींद आए वैसे ही अपना काम धाम छोड़ के सो जाओ और 8 या 9 घंटे की नींद आप जरूर, सबसे बड़ा एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन नहीं होगा आपको। अगर आपने नींद सही मात्रा में ली, दिन में भी सो, अगर रात्रि में कुछ कमी बेशी रह गई है, कईयों को कोई काम पड़ सकता है, तो दिन में सो जाओ, नींद को अवश्य पूरी करो। क्यों? नींद की अवस्था में आप उस तल पर पहुंचते हो जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा आपको एनर्जी से भर देता है। आप लाख फल फ्रूट मेवे ड्राई फ्रूट खाते रहो, लाख जूस पीते रहो, अगर उस शक्ति के पास ना जाओगे तो आपका सब खाया पिया बेकार। उस शक्ति के पास जाना आवश्यक है। हाँ, अगर आप ध्यान में जाते हैं तो नींद कम ले सकते हैं, फिर तो नींद ज्यादा आएगी ही नहीं, क्योंकि भीतर का विधान प्रकृति का कुछ ऐसा है कि जैसे ही आपकी नींद पूरी हुई, जैसे ही पर्याप्त मात्रा में आपके सारे भीतर के अंग फ्रेश हुए, आपकी नींद की जरूरत पूरी हो जाएगी। आप सोना चाहते हुए भी सो नहीं पाओगे। आज क्या है कि आप सोना चाहते हो लेकिन सो नहीं सकते काम के बोझ के कारण। इसलिए डिप्रेशन है। दूसरा, क्रिया योग रोज करो। क्रिया योग का फार्मूला आप सबको पता होगा, नहीं तो मेरी वीडियोस में से हमारे चैनल कंट्रोलर रोहित जी ने सारा कुछ समुचित रूप से आपको समझाया है। जैसे जैसे उन्हें समझाया है वैसे क्रिया योग करो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। देखिए, वक्त लगेगा, आप दवाइयां खाओगे ठीक नहीं होगे, फिर से वो बीमारी आ जाएगी। आप क्रिया योग करोगे, करते ही रहोगे, जैसे आप व्यायाम करते हो, रोज सैर करते हो, रोज खाना खाते हो, अगर क्रिया योग को दिनचर्या का एक अंग बना लिया, सुबह करो, सुबह वक्त नहीं मिलता तो शाम को करो, किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं शुद्ध वातावरण में, जहां ऑक्सीजन घनीभूत मात्रा में हो। धीरे धीरे आपका डिप्रेशन कम कम और खत्म। क्रिया योग को करने से मैंने पागल पागल खाने से ठीक वापस घर लौटते देखे हैं। पागल खानों में बंद लोग, सालों से बंद लोग, जो पागलपन की दवाइयां खा रहे थे, क्रिया योग से ठीक होके बाहर आ गए। मेरे भाई यूएसए में डॉक्टर थे, एमडी, वो अक्सर दिल के मरीजों को ये क्रिया करवाया करते थे, योग, क्रिया योग। और वो अक्सर मुझे कहा करते थे, एक दो बार यहाँ पर आए जब इंडिया में, तो मुझे कहने लगे कि भैया मैंने लाखों पेशेंट इस क्रिया से ठीक किए, उनकी जिंदगानियों की अवधि बढ़ाई है,
दिल की ही नहीं उन्हें अन्य बीमारियों से भी निजात मिलती है इस क्रिया योग के द्वारा। डिप्रेशन का तो वैरी है ये क्रिया योग, ये क्रिया योग डिप्रेशन का वैरी है। हार्ट के लिए बहुत सहायक है, ब्रेन के लिए बहुत सहायक है। जो बच्चे कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देना चाहते हैं, वो इसे रोज करें। इम्तिहान देने जाते वक्त दही मीठा चाहे न खाएं चलेगा, क्रिया योग सुबह अवश्य करें। आप देखना आपका दिमाग कैसे चलता है, आपकी मेधा शक्ति स्मरण शक्ति बहुत उच्च तल पर जाएगी। आप हैरान हो जाओगे कि आपकी स्मरण शक्ति इतनी बढ़ गई, लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में करना है। वृद्ध व्यक्ति तो अपनी समर्था के अनुसार इसे करे। मुझे बहुत से वृद्ध व्यक्तियों के फोन आ जाते कि बाबा 10 20 50 से ज्यादा नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा हम 100 कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मत करो, लेकिन जवान बच्चा ज्यादा भी कर सकता है। मेरे पास फोन ऐसे भी आते हैं कि 70 साल का व्यक्ति 1500 2000 क्रिया योग करता है। वो कहता है कि मुझे लुत्फ ही इतना आता है कि मुझे छोड़ने का दिल ही नहीं करता इसे, मैं हट जाता हूं फिर मन करता है कि और करो, तो संख्या सारी लांग जाता हूं, 1000 1500 2000 तक हो जाता है। मैं खुद इसे 2000 किया करता था डेली, वर्षों तक 40 वर्ष तक मैंने ये किया। एंटी डिप्रेसेंट क्रिया योग, सिर्फ क्रिया योग आप करके देखिए। कोई दवा नहीं, कोई इस पे खर्च नहीं करना पड़ता। सहज श्वास लेना है वो हमें लेना ही पड़ता है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। बस थोड़ा सा श्वास गहरा लेना है, इतना ही तो करना है। श्वास ना लेने से तो आदमी मर जाता है, श्वास ज्यादा लेने से नहीं मरता, ये ध्यान में रखना। बहुत सी बीमारियों का शत्रु है जी। क्रिया योग करिए, गहरे सांस लीजिए। भगवान ने इतना फेफड़ा दिया है, क्यों नहीं भरते आप? वो पागल है जिसने इतना फेफड़ा बना दिया। उसने हमने शरीर की ऑक्सीजन की जरूरत के मुताबिक ही इतने फेफड़े बनाए। बच्चे को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतने ही फेफड़े छोटे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उम्र बड़ी होती है, फेफड़ों का साइज भी बड़े हो जाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो कोई मूर्ख थोड़ी है जिसकी प्रकृति ने इतने बड़े फेफड़े बना दिए और आप 25% फेफड़ों से काम ले रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करो, पूरे फेफड़े भरो, पूरे फेफड़े खाली करो। प्राकृतिक बात है, अप्राकृतिक कोई बात नहीं। और आप इसके रिजल्ट देखो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसे करो। आप खुद ही आपका मन लगेगा, हल्का हल्का सुर आएगा, मदहोशी जाएगी, आनंद आएगा, काम धाम में आपका मन लगेगा, व्यापार में आपका मन लगेगा, कारोबार ठीक ढंग से कर पाओगे, संतुलित मन के रहोगे, संतुलित भोजन ठीक से करोगे, सारी शरीर की क्रियाएं ऑक्सीजन के ज्यादा मिलने के कारण आपके भीतर का ब्लड जब सर्कुलेट करेगा तो आपकी हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को उठा के अंग प्रत्यंग तक पहुंचा देगी। आपके शरीर का रुआ रुआ एनर्जेटिक हो जाएगा,
इस क्रिया योग को करें। कोई बीमारी ने भी हो, आफ्टर एनलाइटनमेंट भी मैं इसे नहीं छोड़े, करता ही रहा, क्योंकि ज्ञानी होने के बाद शरीर तो वही है ना, शरीर को तो सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जीवित रहने के लिए श्वास की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं क्रिया योग करता ही रहा। अब मैं जब बिल्कुल घर के भीतर बैठ गया हूं, अभी कुछ वर्षों से मैंने इसे छोड़ा है, नहीं मैं इसे लगातार करता रहा। और अगर आपको मैं कहूं कि मेरी प्रबुद्धता में मुख्य कारण ये था, इसने मुख्य भूमिका अदा की मुझे प्रबुद्ध करने में, मुझे संबोधि दिलाने में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी क्रिया ने मुझे इतने ऊंचे तल तक पहुंचा दिया। एंटी डिप्रेसेंट ये दवा है, जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं चलता, वैसे ही क्रिया योग के बिना आपकी बीमारियां ठीक नहीं होगी। बहुत बीमारियों का इलाज है इसमें, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ये शुरू से ही उभरने ही नहीं देता। आप इसे रोज करें, अपने बच्चों से कहें वो भी करें, जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे आप रोज नहाते हो, रोज खाना खाते हो, तो रोज क्रिया योग भी करो। किसी कारण से शरीर अस्वस्थ है तो आप टाल भी सकते हो, लेकिन इसे टालने की जानबूझ के कोशिश ना करेगा तो आपकी ही फायदा है इसमें, आपका ही फायदा है। जैसे श्वास अगर लेना बंद कर दोगे आप, तो नुकसान किसका? आपका। इसलिए ये डिप्रेशन के लिए कोई दवा बताओ, इससे बड़ी दवा मैंने आज तक कभी कोई नहीं जानी। सारे दिन शरीर प्रसन्न, मन प्रसन्न, खिला हुआ सारा सिस्टम शरीर का, सोच बढ़िया, बच्चे कंपटीशन लड़ेंगे, जीतेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, छोटी मोटी बीमारियां नहीं घेरेंगी आपको। लेकिन थोड़ा सा बाहर के वातावरण के अनुसार आप क्रिया योग करें, ज्यादा ठंडी में ये ना करें। अगर ज्यादा ठंडी है तो कमरे के अंदर क्रिया योग करें, वातावरण को देख के, ऐसा ना हो कि आप माइनस के अंदर क्रिया योग करें। नहीं, अगर माइनस तापमान है बाहर तो आप कमरे में चले जाएं। अगर बाहर बहुत ज्यादा तापमान है, प्लस 50 हो गया है, तो भी आप कमरे के अंदर जाके क्रिया योग कर सकते हैं, या सुबह सुबह क्रिया योग कर सकते हैं। तो ये एंटी डिप्रेसेंट है। मैंने आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया है। धन्यवाद।